अनन्या अज स्कूल गई हुई थी। ये अज तू किदा चलेगी, रात तो तेरी सॉक्स तो मिली नहीं थी। अच्छा अज तो अन्या गई हुई थी नन्या नू लैन स्कूल तो। अन्या अज तो ना मूँह धोता काके ने ना नहाती ते दीदी नू भी ले आई। हां सारिया ने खेली खेली की बां छड़ना ना ने आपे फड़दी है उपर आपे च फड़ी है इन्हें। ओ देख ओ देख कमल मैम। वाओ चलो शुक्र है तू किसी मैडम को पढ़न लगी। अज मैं पता नहीं किन्निया सदियां बाद देखा तेनू पढ़दी नू घर। मैं तो इन्नी खुशी हो रही है मेरा जी करे मैं बर्फी वंडा बाहर जाके। पर मैं क्या क्यों पैसे खराब करने, तू थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर खेलती होना। हाय दोस्तों स्वागत है तुहाडा मेरे न्यू ब्लॉग दे विच। रात वाला ब्लॉग एडिट करते करते सुबह दे 6 बज गए, इस करके मैं बहुत लेट उठा है क्योंकि रात थोड़ा लेट आए इसके घर। घर कौन आया है एक बार दिखायो अपना घूंघट, चक्यो उपर मैम एक बार चक्यो घूंघट चक घूंघट चक। आ लो देख लो ये आई हुई है अपने घर अज। पर ये तो रोज ही होंगी है। मैं सोचा कि मैं डराऊंगा बस एक गल दस, पहले मैं नहीं डरिया हूं जरूर डरिया। क्यों पता नहीं ये वीडियो वाले ने अपने समझ जाना। ये सारा कुछ मेरे ही बाल हैं। दोस्तों असी तुहाडे नाल एक गल शेयर करना चाहते हैं। जब असी कल विशाल मार्ट शॉपिंग करन गए हुए थे तो उत्थे सानू दो फैमिलियां मिलियां। हां ते ओ सानू कहंदे कि तुहानू फेसबुक ते यूट्यूब ते हां इंस्टाग्राम ते ना तुहाडी वीडियो देखदे हां ते तुहानू फॉलो करदे हां। ते सानू बहुत पसंद आंदी है तुहाडी वीडियो ते सानू बहुत ज्यादा खुशी होई भी, मतलब कि सानू मतलब कि कोई मिलन आया उस टाइम ते कहंदे भी असी सारी फैमिली बैठ के तुहाडी वीडियो देखदे हां ते भी सानू तुहाडी वीडियो बहुत सोहणियां लगदी हैं। मतलब सानू इन्नी ज्यादा खुशी हुई उस टाइम क्योंकि एक तो सानू पहली बार मिले है ना कोई इदा। ते असी वीडियो भी बना नहीं सके उस टाइम, थोड़ा मतलब एक थोड़ी शर्म जी भी आ रही थी क्योंकि पहली बार होया। नाले फोन ते मैसेज तो सानू बहुत बार आंदे जिवें व्हाट्सएप ते, पर कोई मिले भी एक असी खड़े हैं ते दूरों आके कोई मिले पहली बार होया। इस करके असी उन्हां दा बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं कि साडी वीडियो देखने लई ते जेड़े सानू वैसे भी रेगुलर साडी वीडियो देखदे हैं ते सानू फॉलो करदे हैं उन्हां दा भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। ते हुण सानू सपोर्ट कीता सारेयां ने उन्हां लई भी बहुत बहुत धन्यवाद। इदां ही साडी वीडियो नू देखदे रहो ते वीडियो नू लाइक करदे रहो। अच्छा ओ तो विच ही है। हां क्या क्या ले आए हैं? रुक जी एक मिनट। हां दिखा दे मुझे मैम ने, ये मैडम ने ब्लेजर दी है एक गिफ्ट। अच्छा दिखाई जद भी अनन्या ट्यूशन जाती जद इहदा मन नहीं हुंदा तां पूरा चीक के सारे आंढी गुआंढी देखदे हुंदे कि कुड़ी जा रही अज ट्यूशन ते आंदी हुई इन्नी खुश हुंदी हुण लगी हुई इत्थे खेलण ते हुण अपनी मम्मी तों सिर बहा रही है अपना। सारिआं नूं दस दिंदी आ वी मैं अज ट्यूशन चली आ, सानूं पता लग जांदा वी ट्यूशन चली आ। पापा अज मेरे मैम दी एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी? हां जी एनिवर्सरी। अच्छा ते क्या क्या खिलाया अज? अज बहुत सा केक भी खाया। दो मैं मंथ भूल जांदा है ना सोचो कि मैंने याद नहीं। पापा हां जी एक गल दसो तुसी किद्दा मिले थे? किनू? मम्मा नू। अच्छा ब्याह तो पहला? हां जी पुत साडी लव मैरिज थी। तू अपनी मम्मी नु ही पुछेदा कि किद्दा मिले थे? पता नहीं क्या लव मैरिज थी, किद्दा गई लव मैरिज थी। तुसी प्रपोज तां कीता नहीं है ना एक बार भी इन्होंने?
ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਏ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਦੱਸੋ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕਮਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਕਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦ ਬੋਲਦਾ ਅਨੰਨਿਆ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਚੱਲੋ ਦੱਸੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹੂੰਗੀ ਤੂੰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਅਨੰਨਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਾਪਾ ਫਲਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਉਹ ਪਏ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹਾਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨੰਨਿਆ ਦੇਖੀ ਆਹਦੇ ਲਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੂਗੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਹੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਮਲ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੰਨਿਆ ਤੇ ਆਨਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨੰਨਿਆ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਨੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਨਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਅਨੰਨਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਅਨੰਨਿਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨੰਨਿਆ ਛੇਤੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਸਪਾਈਸੀ ਹੈ ਸਪਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੇ ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ
ਜਾ ਮਮਾ ਜਾ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਰਿਆ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਖੱਡ ਮਮਾ ਜੋ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਖੜ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਖੋਲ ਦੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਖੋਲ ਲੈ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆ कई गए पेंट सफाई हुई है बस जल्दी करो खोल दो सच्ची ऐसा क्या है आई लव यू हां थैंक यू यार ने तेरे लिए गिफ्ट है एक ही चीज बहुत बार सुन लिया था देर तो प्रपोज नहीं करता आज मैं कहता हूं मेरा मतलब तुम कौन है एक ना साडा थोड़ा जिहा मजा खराब हो गया क्योंकि एक आ देख लो नेरा हो गया ते असी आए तो बहुत सोहनी लोकेशन ते इत्थे बहुत सोहनी लोकेशन है पर चलो हुण क्या करिए मतलब जे मैं नहीं बोल दी है ना फिर इहदा मतलब नहीं हो रहा ना मेरी हैप्पी पीस कितने आप अपील लगे ओह सॉरी सॉरी मैं ले आवा ना सुनो आई कर कॉलिंग थैंक यू मेरे तो खोल दो मम्मी तो हाँ ओह सॉरी सॉरी कर गर्मी आई हुई है बहुत ज़्यादा कर आज एक और रुपया गर्मी आई हुई थी वैसे तेरे लांबे बहुत बार सुन ले थे हरेक बार तो यही तुसी नहीं किता तुसी मैं क्या आज करी दवा वैसे मैं रेस्टोरेंट ही चलया पर मैं क्या आ मजा नहीं आना जेड़ा बाहर खड़ के आंदा है चलूंगे चल चलते हैं ते आन्या देख लो मैं आन्या दा तुहानू दिखाई नहीं किया सुती पई है आ देखो उठ गई है असी बना रहे थे उरे वीडियो देखो किन्ने ज्यादा मच्छर आ गए हैं ये मीह वाले सारी वीडियो खराब हो गई कुछ बनाई नहीं हो रहा उरे ना फोटो खींचो हो रही है ना वीडियो बना हो रही है हूँ असी उत्थों का निकले आए थे क्योंकि उत्थे थे बहुत सारे मच्छर बहुत ज़्यादा मच्छर कट्ठे हो गए थे लाइट दे मुरे आ देखो पीछे ओ देखो किन्ने ज़्यादा मच्छर है हूँ असी आए हैं डोसे वाली शॉप पे क्योंकि कमल ने कल भी कह रही थी कहती मैंने डोसा नहीं खिलाया तुसी मेरा बहुत दिन का मन कर रहा डोसा खाने तो इस टाइम मेरे पेट च बहुत ज्यादा गुड़ गुड़ हो रही है चलो मैं ते नन्या पहले डोसा ले आंदे हैं वैसे मैं ते नन्या ने प्लान तो बहुत सोहना बनाया हुआ था तो मैनू सरप्राइज देंदा है ना पर सारा साडा मच्छर ने खराब कर दिया ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆ ਹਨਾ
वैसे मम्मी ने तो मैं ही सिखाया हुआ था। चलो हूँ इतने कुछ खाते चलते नमी आ चलते अन्या देखो कितने चढ़ के बैठी हुई है वैसे अंदर बहुत भीड़ है देखो पीछे लाइन लगी हुई है पर मैं कह के आया कि साढ़े यहाँ बच्चा है भी थोड़ा जल्दी दे दो घ्यूरे ही खा लूंगे तो बाकी अगे देख के आते हैं कुछ खाने लिए क्योंकि मेरा मन तो है डोसा खाने का। ऊपर बैठ चल कमल तेरा डोसा आ गया छेती खा ला खा खा तू मैं उधर बर्गर लेके आंदा है बैठाए नु बी बहुत जिद्दी है कहते उपर ही बैठाओ ता खाऊंगी हूँ असी डोसा तो चांप दोनों खा ली है तो हूँ चलो चलते हैं घर पहले तो सब्जी पैक करवानी है क्योंकि आज मम्मी ने क्या किया होया मम्मी ने तुसी अपनी जो मर्जी पसंद री ले आए हो ये आज सब्जी घर नहीं बननी है हैं हूँ असी आए हैं सगुन ढाबे ते चलो नन्या लई पनीर करवा दिंदा क्योंकि आ नन्या काफ़ी दिन हो गए इन कहंदे नूं पापा पनीर खाना चलो अज करवांदा है अज मेरा पुत्त इहदा ने इक जद असी उत्थों निकल रहे इहदा पैर आ गया गेट दे विच ते हुण इहदे दर्द भी हो रही है मेरे नन्या दे अज ज़्यादा हो रही है अज कितने बजी दिखाई चल मैं घर जाके मूव लाऊंगा केड़ा पनीर लेना है तू हूँ चल अनन्या मेरे ना गुस्से हो गई है कहती पापा उरे ही खाओ कई दिन तो कह रही है कि रोटी उरे ही खा के जानी है पर नन्या अभी दादी भी घर है वो तो कोई ना तो दाद थोड़ी जी चल मम्मी नू पुछदा दे रहे मम्मी नू किता सीगा फोन कि अनन्या मगर पई हुई है कि भी तुसी उरे ही खाओ रोटी तो मम्मी कहंदे भी तुसी खाया हो क्योंकि तीन चार बारी पहले भी कह लिया इन्हें कल भी कह रही थी परसों भी कि पापा असी बाहर ही खानी है मम्मी कहंदे भी मैं आलू वाले परौंठे बना लेने भी तुसी खाया उरे आने तो साड़ी सुती पई है देख लो पैर दुख रहे हैं अज मैं गोदी चकदा है अनन्या का लाजवाब पनीर आ गया है अनन्या यही है तेरा फेवरेट ये लगी है कल्ली खान मैं ते कमल लगे हैं इकट्ठे खान इनू असी लग बिठाता है वैसे ही मैचिंग होती है दादी ने है ना जब मम्मी होंगे तो मम्मी नाल खाती है ते असी दोनों लग हूँ असी रोटी तो खा ली है चलो चलते हैं घर तो असी सोच रहे कि वीडियो तो उरे ही एंड कर दिए घर जाके भी तो करना ही है चलो फिर किदा की लगी थोड़ा अज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो नाल दी नाल साडे चैनल सबसक्राइब कर दियो मिलते हैं फिर अगली वीडियो जब तक लिए बाय बाय।